गोविंद टीच में आज हम सीखेंगे क्लास टेंथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जरूर से आएगा ये क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन इसको हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विलोपन। बेटा यहाँ से हम समझेंगे विलोप। विलोप का मतलब क्या होता है? हटाना। जो दो इक्वेशन है इसमें से किसी एक वैल्यू को हम हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हटा देंगे वहां से, उसका एलिमिनेट कर देंगे। इंग्लिश में बोलते तो एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देंगे, हिंदी में विलोप कर देंगे उसको। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया, इसको इक्वेशन सेकंड। तो किसी एक वैल्यू को हम कैसे हटाएंगे? या तो एक से हटा दो या वाई हटा दो। बेटा एक से या वाई को हम कैसे हटाएंगे? जब एक जैसे रहेंगे और माइनस हो जाएंगे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे मतलब हट जाएंगे, ऐसे करके हम वैल्यू को हटाएंगे। तो यहाँ पर ये एक्स भी प्लस का है, ये एक्स भी प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये वाई प्लस का है, ये वाई किसका है? माइनस का। तो यहाँ पर वाई और वाई हट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड। तो हमने इसको ऐड करा, जैसे ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे हम, जैसा ऐसे रखेंगे। अब देखना है पर जो y है ये प्लस का है, ये y किसका है? माइनस का, तो कैंसिल हो गया, मतलब हमारा जो काम था क्वेश्चन का वो हो गया, एलिमिनेट हो गया एक वैल्यू। अब ये x वन टाइम, ये x वन टाइम, तो x और x कितना हो गए? 2x हो गए, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। अब ये 14 और ये 4 दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया? 18। तो 2x इक्वल कितना है हमारे पास? 18। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल 18। बेटा ये जो मल्टीप्लाई में रहता है ये 2, मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में चला जाता है। 2 की टेबल कब तक पड़े तो 18 आ जाए। 2 1 2 2 9 18। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई? 9। अब एक्स की जो वैल्यू आई हमारी 9, उसको अपनी इच्छा पड़े वहां रख दो आप, या 1 में रखो या 2 में रखो। तो इस एक्स की वैल्यू को हम 1 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इस जो एक्स की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। अभी पुट करते हैं, कैसे करेंगे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट की वो लिख ली यहाँ पर। अब जो एक्स की जो वैल्यू आई उसको उसकी जगह पर रखना है। बेटा एक्स क्या है हमारे पास? 9। तो जो x है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 9 प्लस y एज इट इज इक्वल 14। अब y की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि x की वैल्यू तो हमने पहले फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? y एज इट इज 14 एज इट इज, ये 9 इंटरचेंज होकर इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा? 9 माइनस का। तो y इक्वल 14 माइनस 9 कितने बचे? 5। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। दोस्तों इसको करने के बाद अगर अपने माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन आए कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पर चेक करना बता रहा हूँ। किसी एक इक्वेशन को लिख लो, x प्लस वाई इक्वल क्या लिखा हमने? 14। x कितना आया? 9। y कितना आया? 5। 9 और 5 कितना होता है? 14। मतलब दोनों साइड इक्वल है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल राइट है। आई रिपीट अगेन, फिर से समझना दोस्तों इसको, एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड का क्या नाम है? एलिमिनेशन, मतलब किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोप करना, किसी एक मान को विलोप करना। तो सीधी सी बात है, जो एक जैसे रहेंगे और अगर माइनस होते हैं तो विलोप हो जाएगा, उनका हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक से एक सेम सेम प्लस के, वाई वाई प्लस माइनस के मिल गए, तो हम आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। वाई से वाई कैंसिल हो गया, सब हट गया। एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल 14 और 4 ऐड कर रहे हैं हम, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। अब x मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में। और ये सब बेसिक चीज़ें आपको तो अच्छे से आती है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप एक बार देखो और बार बार रिविजन कर पूरा अच्छे से कम्प्लीट करो इस वीडियो को। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।